नमस्कार। एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है भैरवी आथवले, जो है एक थिएटर आर्टिस्ट, साथ में कथक विशारद भी है, साथ में एजुकेशन फील्ड में लास्ट 20 इयर्स से वो कार्यरत है। और इसके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कि वो एक कैंसर सर्वाइवर भी है। तो ऐसे ही भैरवी आथवली जी से आप हम मुलाकात करते हैं। भैरवी जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में। और सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दी खुशाल भाई ज्वेलर की ओर से आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है, और एक्सोटिक परिवार की ओर से, और विश्व महिला दिन की फिर से आपको शुभकामनाएँ। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं भैरवी जी से। तो मैम, आप 20 इयर्स से आप एजुकेशन फील्ड में हैं, तो आप कहाँ कहाँ, मतलब किस तरह से आपने वर्क किया है वो। अब हम आप बात करते हैं लाइफ जर्नी की आपकी, कि आपकी एजुकेशन की, मतलब जो फील्ड में आप आए तो किस तरह से आपकी शुरुआत हुई। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है मैंने मुंबई से किया है जी। और मुंबई में मैं जब बीएससी कर रही थी, तभी यहाँ पे सूरत में, जो मेरे फादर का नेटिव प्लेस है, यहाँ पे एक इंटरव्यू कॉल आया था। एंड 20 साल की उम्र में मैं टीचर बन गई थी, लाइक आफ्टर माय ग्रेजुएशन। और मेरे टीचिंग पीरियड के दौरान मैंने एमएससी किया, बाद में बीएड किया, एंड टुडे आई एम एमएससी बीएड विद मैथमेटिक्स। सो मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू किया था सीनियर केजी से, और अभी मैं पढ़ाती हूँ 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को जी। या और मेरे सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स एंड साइंस, आई थिंक सबके फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं जी। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हमारी बात हुई एजुकेशन फील्ड में आप कैसे आए थे, तो हम बात करते थे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। क्योंकि जिस तरह से आपका आप सभी जगह पे एक्टिव है, जिस तरह से आप एक कथक विशारद भी है, साथ में थिएटर आर्टिस्ट भी है, तो बहुत कुछ, मतलब एजुकेशन फील्ड में भी है, तो काफ़ी जगह पे आप एक्टिव है। तो हम आगे बात करते हैं कि आपने जो कथक विशारद जो किया है वो कौन सी एज में किया, और वो वहाँ पे आप किस तरह से एक्टिव है। मेरे पापा हमेशा क्या करते थे कि एकेडमिक्स हर कोई करता है जी, आपको अपना एक और एक फील्ड, अपना जो इंटरेस्ट का है उसमें भी आगे आना चाहिए। बिकॉज अगर आप अकेडमिकली 90% से 80% आते हो तो उसका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट देन इफ़ यू हैव समथिंग जो आपको खुशी दे, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो उन्होंने हम सभी भाई बहनों को किसी ना किसी आर्ट फील्ड में डाला हुआ था। एक रीज़न ये भी था कि वो खुद करना चाहते थे, मेरे मम्मी पापा, बट ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज वो नहीं कर पाए उस समय, तो उन्होंने वो चीज़ अपने बच्चों को दी। तो मेरा भाई तभी तबला सीखता था, मैं कथक सीखती थी, मेरी बड़ी सिस्टर शास्त्रीय संगीत सीखती थी। तो और उन्होंने अभी, जैसे मैं अभी जब क्लासेस लेती हूँ तब मैं देखती हूँ कि 10th में 12th में बच्चे ब्रेक ले लेते हैं कि बहुत पढ़ाई करनी है, बोर्ड एग्जाम्स है, नहीं होगा। पर मुझे नहीं याद है कि हमने एग्जाम्स के दौरान कभी भी क्लासेस में छुट्टी की हो। इनफैक्ट मेरे पापा ऐसे कहते थे कि 1 घंटे जाओ क्लास में, फ्रेश हो जाओगे, बाद में आके पढ़ाई कर लेना। सो आई वॉन्ट के अभी के पेरेंट्स भी ये मोटिवेशन दें बच्चों को कि 1 घंटा जो रिक्रिएशन बच्चे को चाहिए वो उनको मिले। अभी भी काफ़ी लोग हैं जो अभी को करिकुलर में इंटरेस्ट लेते हैं, अपने बच्चों को डांस में, सिंगिंग में डालते हैं, बट ये होता है कि 10th, 12th में गैप हो जाता है, फिर 12th के बाद अगर कोई प्रोफेशनल करियर लेते हैं तो वो छोड़ देते हैं। सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि डोंट लीव, ओके, सीखते रहिए, क्योंकि सीखने के लिए तो पूरी उम्र कम है। जी जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि सीखने के लिए पूरी उम्र कम है, जो चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में वो एक भाव और एक ध्येय होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि लाइफ जर्नी की, जैसे हम बात करते हैं भैरवी जी के साथ, तो भैरवी जी आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी है, तो आपने कहाँ, कैसे, मतलब इसमें आप कैसे गए, क्योंकि जिस तरह से आपने बोला एजुकेशन में मैं इतनी एज से गई हूँ, एजुकेशन फील्ड में 28 साल से है आप, साथ में कथक विशारद भी है, और साथ में एक थिएटर आर्टिस्ट,
तो वो सब मैनेज कैसे करते हो और कैसे आप गए वहाँ तक? मैं बताऊँ तो मैंने शादी के बाद MSc किया, मैंने शादी के बाद BEd किया और मैं शादी के बाद इस फील्ड में आई हूँ। तो एक लड़की के लिए हमेशा ये होता है कि एक बार शादी हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, यू डोंट गेट टू परस्यू एनीथिंग आफ्टर दैट। पर मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ज़्यादा लकी हूँ। ऐसे नहीं कि बिकॉज आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई एम सेइंग इट, पर आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, मेरा एक डायलॉग हमेशा रहता है कि दुनिया की सबसे अच्छी सासू माँ मेरे पास है। बहुत और बहुत मैं उनको ये भी कहती हूँ, काफ़ी बार कहती हूँ कि आप सासू नहीं हो, आप सिर्फ माँ हो जी। और मेरी खुद की मदर, लाइक आई लॉस्ट माय मदर बिफोर माय मैरिज, और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मैं भगवान से हमेशा, लाइक आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मेरी मम्मी से भी ज़्यादा अच्छी मम्मी मुझे दी है जी। उनका जो एनकरेजमेंट मुझे मिला है उसी से मैं सारे फील्ड्स में अपना, लाइक जो भी परफॉर्मेंस है दे पाती हूँ, वेदर इट इज़ एजुकेशन। ऐसे नहीं कि मेरा करियर रुक गया शादी के बाद। काफ़ी कम औरतों को ये चांस मिलता है क्योंकि बच्चे हैं, ये है वो है, बच्चे छोटे थे। आप मेरा बड़ा बेटा 1 साल का था जब मैं उसको यहाँ पे अपनी सासू माँ के हाथ में छोड़ के मैं मुंबई गई थी BEd करने के लिए। और इसके लिए उन्होंने मुझे एनकरेज किया था कि अभी ये छोटा है, तुझे नहीं पहचानता इतना, ठीक है अभी वो रह लेगा, जब बड़ा हो जाएगा तब नहीं रहेगा, तो यही मौका है, तू जाके BEd कर ले। सो ऐसा एनकरेजमेंट मुझे मिला था। तो वट एवर आई एम टूडे आई ओ इट कम्प्लीटली टू माई पेरेंट्स एंड माई इन लॉज एंड डेफिनेटली माई हस्बैंड। जी जी, मतलब आपको इस तरह से घर परिवार ने, मतलब परिवार के जो सदस्य है उन्होंने भी इतना सपोर्ट किया और इतना मोटिवेट किया कि आप यहाँ तक पहुँची है। और थिएटर आर्टिस्ट जो जिसे कहते हैं, मुझे पता है कि उनको किस तरह से काम करना पड़ रहा है और किस तरह से जब भी शूटिंग आती है तब कितने आवर्स हमको देने पड़ते हैं, कितने घंटे काम करना पड़ता है, तो वो मुझे भी पता है। बट आप थोड़ा सा शेयर कीजिए कि किस तरह से वहाँ पे आपका, मतलब घर परिवार के साथ और इनको आप कैसे मैनेज करते हैं? घर परिवार तो मैंने जैसे बोला कि मुझे घर की कोई भी जिम्मेदारी का टेंशन नहीं होता था। मैं क्लासेस भी अपने अच्छे से करवाती थी, मैं रिहर्सल्स पे भी टाइम पे जा सकती थी, क्योंकि घर पे कभी भी किसी ने ऐसे नहीं बोला कि आज ये क्यों बनाया है, आज वो क्यों बनाया है। इनफैक्ट अगर आज नहीं है बनाने का टाइम तो या तो मम्मी बना लेंगे, ओके मीन्स माय मदर इन लॉ, या फिर बाहर से आ जाएगा खाना, यू डोंट वरी अबाउट इट। और बच्चों का टेंशन तो मुझे कभी दिया ही नहीं, और इस वजह से आई यूज़ टू बी वेरी फ्री। तो मैं जो भी अपना 100% अपने सारे फील्ड्स में दे पाई, क्योंकि हर एक औरत को एक घर का ही टेंशन होता है कि घर पे क्या बोलेंगे, अभी ये सुनाएंगे कि तू तो बाहर ही रहती है। और ड्रामा के रिहर्सल्स आपको पता है कि रात के 12 बजे तक चलते हैं, कभी 1 बजे तक चलते हैं। तो अगर 8 बजे मैं घर से निकली हूँ और रात को 12-1 बजे, तो माई हस्बैंड आके मुझे पिकअप करते थे, इवन ड्रॉप भी करते थे। मैं सी, देर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट मी, बट वन थिंग आई वुड से दैट मैं ड्राइव नहीं करती हूँ। सो वेन एवर आई हैव टू गो आउट तो मुझे आई नीड माई हस्बैंड टू ड्रॉप मी देर, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वो भी सब कुछ मैनेज हो जाता था। तो आई फील दैट आई हैव बीन लकी इनफ कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं मेरी ज़िंदगी में जो मुझे हमेशा इनक्रेज करते रहते। जी जी, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि परिवार का सपोर्ट है तभी हम कुछ हासिल कर पाते हैं। पर साथ में मैं एक बार और भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने थिएटर किया है तो किस किस जगह पे, मतलब कहाँ कहाँ आपने वर्क किया है और कौन से पार्ट में आपने रोल किया है, क्या है वो भी हमें बताइए। जी जैसे मैं ये फील्ड में तो लाइक बाई चांस ऐसे ही आ गई थी, लाइक मेरे बच्चे जो हैं वो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों को बोल के रखा था जिनको मैं जानती हूँ कि अगर कोई चाइल्ड कैरेक्टर हो तो मुझे बताना, मेरे बच्चों को इंटरेस्ट है। तो एक दिन फ़ोन आया मेरे पास कि एक ड्रामा में कैरेक्टर है, तो मैंने बोला किसको भेजूँ, बड़े को या छोटे को, तो सामने से जवाब आया नहीं आप खुद आ जाइए। तो मैंने कहा भी कि नहीं नहीं मैं तो कथक करती हूँ, मुझे एक्टिंग वैक्टिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी एक लास्ट मोमेंट कोई
लेडी जो कर रही थी वो कैरेक्टर, तो वो निकल गए किसी वजह से, तो प्लीज़ आप आ जाइए। और ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। वो नाटक था बोलो आई फॉलो, और शैलेंद्र वडनेरे सर ने वो नाटक डायरेक्ट किया था, और उसके हमने 35 to 40 शोज किए थे सूरत में। तो दैट्स हाउ माय जर्नी बिगिन। एंड द थिंग इज़ कि मैं इस फील्ड में ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना है या कुछ भी। इट इज़ लाइक जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे मेरे पास फ़ोन आते हैं और मैं करती हूँ। एंड आई एम लकी इनफ कि मैंने काफ़ी सारे सूरत के अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। मैंने हिंदी प्ले भी किया है राजेश पांडे जी के साथ, जिसमें मुझे 2 बार SMC में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। फिर मैंने कपिल देव शुक्ल जी के साथ भी काम किया है, मैंने देवांग जागीरदार सर के साथ काम किया है। तो ये ऐसे लाइक दे आर एमिनेंट डायरेक्टर्स ऑफ सूरत। तो जो भी मेरा अभी तक का करियर रहा है उसमें मुझे काफ़ी अच्छे रोल्स भी मिले हैं, मुझे काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स भी मिले हैं, को एक्टर्स भी मिले हैं। और मूवी में लाइक आई हैव डन शॉर्ट मूवीज एंड ऑल दैट, और मूवीज़ में छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए हैं। जैसे मैं रेवा मूवी में मैंने एक कैरेक्टर किया था, फिर लवारी में किया था, जुठाणु में किया था जी। और अभी जैसे सूरत में सेटलमेंट मूवी का जो शूट चल रहा था उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया जी। वाह वाह, मतलब बहुत कुछ किया है आपने। और आज हमारे साथ है, मैं दर्शक मित्र वापस आपको बता दूं कि विश्व महिला दिन अंतर्गत ये हमारा शो है, और ये है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और हमारे साथ है सूरत की जानी मानी, कहा जाए तो अभी आर्टिस्ट कह सकते हैं, भैरवी आथवले जी। और भैरवी जी की के साथ एक लास्ट और एक बात कहना पूछना भी चाहती हूँ कि आप एक कैंसर सर्वाइवर है, तो आपने मतलब कब आपको पता चला हुआ किस तरह से अभी उसको आप फेस कर रही है, क्योंकि ये रिसेंटली आपको शायद हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, हो गए 10 years हो गए इस बात को जी। आई वॉज डिटेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर इन 2011 to 2012 में मेरी ट्रीटमेंट हुई है। आई गॉट ऑपरेटेड, फिर 8 कीमोथेरेपीज ली है मैंने और 31 रेडिएशंस लिए हैं। तो इट वाज एक्चुअली अ डिफ़िकल्ट फेज फॉर मी। कैंसर इतनी तकलीफ़ नहीं देता है एक औरत को। जिससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो ये होता है कि कीमोथेरेपी में आपके सारे बाल उतर जाते हैं। सो ये चीज़ मुझे पता थी। एक्चुअली माई मदर वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो मैंने देखा है कि उसकी ट्रीटमेंट सब कैसी होती है जी। सो आई वॉज लाइक आई वॉज इन टू माइंड्स कि मेरे बाल उतर जाएंगे, मैं क्या करूँगी फिर ऐसे जी। और एक लेडी के लिए उसके बाल कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, आई थिंक आई डोंट हैव टू से दैट जी जी जी। बट देन मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे तभी, तो उनको देख के मुझे था कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम अ सेल्फिश मदर, आई वॉन्टेड टू बी। ऐसे नहीं है कि भगवान अगर किसी को ले लेते हैं अपने पास तो जो पीछे रह जाते हैं ना उनका ध्यान रखने के लिए भगवान किसी ना किसी को भेज देता है। तो ऐसे नहीं कि मेरे बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखता, बट आई वॉज अ सेल्फिश मदर, आई वॉन्टेड टू बी विथ माई चिल्ड्रन। सो ये जो कीमोथेरेपी फिर जो ऑपरेशन है या 31 रेडिएशंस है, वो तो मेरी ट्रीटमेंट कहाँ हो गई, कहाँ ख़त्म हो गई पता भी नहीं चला। एंड बीइंग अ टीचर, मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे लिए बहुत सारे प्रेयर्स की हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स ने प्रेयर किए जिनको मैंने काफ़ी डांटा भी है। और जैसे मैंने पहले कहा, मेरी फैमिली तो थी, माई मदर इन लॉ वाज 70+ व्हेन आई गॉट दिस, और जिस उम्र में मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए थी उस उम्र में उन्होंने मेरी सेवा की है। इनफैक्ट जब हम हॉस्पिटल जाते थे, मम्मी साथ में आते थे, तो नर्स भी पूछती थी कि पेशेंट कौन है। सो माई फैमिली, नॉट ओनली लाइक आई वुड नॉट से कि सिर्फ मेरी मदर इन लॉ, इवन माई सिस्टर इन लॉ, लाइक मेरे जेठ जेठानी, फिर मेरे हस्बैंड, सब ने घर में इतना मुझे इनक्रेज किया है कि नहीं ये सब खत्म हो जाएगा, आप फेस करो इसको। तो वो जो स्ट्रेंथ मिलती है ना, उससे मैं इससे बाहर आ गई हूँ। एंड इट्स 10 years और मैं यहाँ पे हूँ। और एक चीज़ के मैंने जो ये एक्टिंग फील्ड ज्वाइन की है वो मैंने 2013 में की है।
सो दैट इज आफ्टर माई कैंसर ट्रीटमेंट मैंने एक नया फील्ड ज्वाइन किया है. सो इट्स नॉट दैट कि कैंसर हुआ तो आपकी लाइफ खत्म. नो, फेस दैट. लोग कैंसर से नहीं मरते, लोग उसके डर से मरते हैं. सही, डर निकाल दीजिए, फेस द ट्रीटमेंट. अभी तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है, बहुत सारे मेडिसिन आ गए हैं. सो यू विल डेफिनेटली विन ओवर इट. मैं नहीं चाहती कि किसी को हो ये चीज़, पर अगर आपको हुई है, डोंट गेट स्केयर्ड, फेस इट वेरी ब्रेवली. जी जी, बहुत ही अच्छी बात है. और आपके स्पिरिट भी बहुत अच्छा है कि कोई भी बीमारी आएगी तो भाग जाएगी ज़रूर. जी जी जी. और काफ़ी लोग आज हमारे ये शो देख के काफ़ी लोग मोटिवेट भी हुए होंगे. और इस तरह से भैरवी जी की जो जर्नी थी वो आज हमने देखी. लेकिन भैरवी जी, एक और बात कि ये वुमेंस डे पे पूरा हमारा शो है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं और आज की जो यंग जनरेशन है, उनको हम क्या मैसेज देंगे? यंग जनरेशन, मैं उनके साथ काफ़ी कनेक्टेड हूँ बिकॉज आई टीच सेकेंडरी सेक्शन. तो 9th, 10th, 11th, 12th ऐसा टाइम होता है कि लड़कियाँ टीनेज में होती है, ना ही बड़ी होती है ना ही छोटी होती है, तो काफ़ी कन्फ्यूज्ड स्टेट में होते हैं. तो हम लोग जो है एजुकेशन के साथ साथ, बिकॉज आई एम अ मैथ्स एंड साइंस टीचर, हम लोग उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं जो उनको जाननी है सोशली, जो सोशल लेवल्स चल रहे हैं हमारे सोसाइटी में, उनके बारे में बताते हैं. आजकल की लड़कियों ने, आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम, बट दे आर इंडिपेंडेंट. पर किसी किसी फील्ड में ऐसे होता है कि वो इंडिपेंडेंस को गलत तरीके से लिया जाता है. ओके, कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ मैन, बीइंग एट पार विथ मैन, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते चुनो. ओके, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़के स्मोक करते हैं तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? ओके, दैट इज़ वन थिंग. सो ये अगर आप विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कर रहे हो तो वो गलत है. इनफैक्ट यू शुड सी टू इट कि लड़के भी छोड़ दे, बिकॉज ये गंदी हैबिट है, या ड्रग्स या वट एवर इज कमिंग अप इन द यंग जनरेशन. तो एज अ एडुकेटर आई एम सो हैप्पी कि हम लोग बच्चों के कॉन्टैक्ट में होते हैं और हम अपने लेक्चर्स के साथ साथ ये चीज़ें भी उनको समझाते रहते हैं. और विमेन के लिए स्पेशली, मैंने जो अपने इस बीमारी से या जो भी सीखा है, आई वुड से कि मैं अपनी बीमारी के लिए किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराती, मैं अपने आप को ठहराती हूँ. क्योंकि वो एक फेज़ था जब मैं जॉब कर रही थी, 7 days में थी, और मैं मॉर्निंग 7 to evening 7 बहुत बार स्कूल में होती थी, बिकॉज आई वॉज द हेड ऑफ को करिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई यूज़ टू टेक प्राइड. मैं बहुत अपने आप पे गर्व महसूस करती थी कि मैं बिना खाए पिए मैं सुबह से इतना काम कर रही हूँ. ओके, मैं एक कन्फेशन कर रही हूँ अभी कि मुझे जो लोग ऐसे बोलते थे कि नहीं नहीं रिसेस हो गई, अभी तो खाना खाना ही है. ओके, चलो अभी तो लंच का टाइम हो गया. तो आई वॉज लाइक, क्या इनको ज़िंदगी में सिर्फ खाने के सिवाय कुछ सोचता नहीं है? यू शुड वर्क. ओके, और मैंने काम किया एंड दैट वॉज द थिंग दैट अफेक्टेड माई हेल्थ. ओके, मेरी इम्यूनिटी उसकी वजह से डाउन गई एंड जो रिजल्ट हुआ, कैंसर मुझे हुआ. ओके, तो मैं एक जो बोलना चाहूँगी अपने हेल्थ के बारे में हर एक लेडी को कि जो भी आपका डाइट है आप उसको फॉलो करो. ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील. ओके, आपके एक शेड्यूल में होना चाहिए. आप ब्रेकफास्ट स्किप मत करो, लंच स्किप मत करो, डिनर यू कैन हैव अ लिटिल लाइट और स्किप इट, और मे बी यू कैन हैव ओनली फ्रूट्स. पर जो आपका खाना खाने का जो पैटर्न होता है ना, दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड योर इम्यूनिटी. सो काम कीजिए, बहुत सारा काम कीजिए, पर साथ साथ अपना ध्यान भी रखिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं. जी और जी, भैरवी जी, बहुत ही मज़ा आया आपके साथ बात करके, आपकी लाइफ जर्नी सुन के. बहुत ही लोग आज मतलब इम्प्रेस भी हुए होंगे और मोटिवेट भी हुए होंगे. तो मैं चाहती हूँ कि ये शो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनकी भैरवी जी की जो स्टोरी थी आज हमने देखी है और सुनी भी है. और ये हमारा शो है विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ. तो भैरवी जी, वापस मिलेंगे ऐसे ही हम कार्यक्रमों के साथ, वापस आएंगे और आपको फिर से वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आपको भी. जी, और मिलते रहेंगे ऐसी दूसरी, मतलब दूसरी नहीं कहा जाए तो फेमस ऐसी वुमेंस को हम हमारे शो के द्वारा आपको मिलाएंगे. और देखते रहिए एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड, और हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू.
हैं।